पौड़ी में तैनात लेखाकार ने गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के मामले में बीजीआर परिसर के छात्र नेताओं ने ब्लॉक कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया। विधायक प्रतिनिधि और पूर्व छात्र संघ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि नितिन रावत ने कहा कि इस बीच लेखाकार लोकेश कुमार पीछे के रास्ते से ब्लॉक कार्यालय में दाखिल हुआ, जिसके साथ छात्रों ने वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन लेखाकार कार्यालय में चला गया। इस बीच मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन की छात्रों के साथ तीखी नोकझोंक देखने को मिली। वहीं मामले में अभी भी लेखाकार के व्यवहार पर आक्रोशित छात्र नेता लेखाकार से लिखित माफी मंगवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। छात्र नेताओं में छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक असवाल ने कहा कि लेखाकार द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने को लेकर छात्रों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जिसका वे विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं लेखाकार लोकेश ने कहा कि उनके साथ छात्र द्वारा मारपीट की गई है, जिसके कारण वे कुछ छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। इस पूरे मामले में जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर ने कहा कि इस पूरे मामले में लेखाकार का ट्रांसफर कर दिया गया है और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। जब शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे बात हो रही थी, इन्होंने खुद ही एक सिनेरियो क्रिएट किया है जिसमें ऐसा लगे कि इनके साथ मारपीट हुई है। ये खुद इन्होंने वहाँ से भागने का काम किया है। उसके बाद छात्रों ने उग्र होकर इनका पीछा करने की कोशिश करी, परंतु मारपीट किसी ने इनके साथ नहीं करी है। ये जबरदस्ती एक बरगलाया जा रहा है यहाँ पर प्रशासन को कि ताकि छात्रों पर झूठा मुकदमा हो। यदि अगर छात्र छात्राओं पर झूठा मुकदमा दर्ज होता है तो इसका संपूर्ण जिम्मेदार वो आदमी स्वयं होगा, सारा प्रशासन होगा। इसके बाद उग्र आंदोलन होगा और आंदोलन तब तक निरंतर चलता रहेगा जब तक मुकदमे वापस नहीं। जिला विकास अधिकारी महोदय विकासखंड कार्यालय में उपस्थित थी। उनके द्वारा मुझे फ़ोन पर बुलाया गया कि आप विकासखंड कार्यालय आइए। मैं उनके कहने पर विकासखंड कार्यालय में उपस्थित हो गया। वहाँ पर कुछ छात्र संघ के अध्यक्ष या वो लोग बाहर बैठे हुए थे। मुझे वहाँ पर जाकर DDO ने और कोतवाल साहब भी थे यहाँ पर, उनकी मौजूदगी में मुझे उनके सामने पेश किया गया। मुझे कहा गया कि आप इनसे क्षमा मांगें। मैंने इनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उसके बाद वो एग्रेसिव हो गए हैं और उन्होंने मुझे पकड़ा, ज़बरदस्ती करके मुझे बाहर खींचने लगे वो। उसके बाद मैं अपने विकासखंड कार्यालय में आ गया, अंतर खंड विकास अधिकारी ऑफिस में। वहाँ पर आकर 3-4 लड़कों ने मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त मारपीट की है। मेरे पास छात्र संघ की कंप्लेंट आई थी कि हमारे यहाँ लोकेश हैं, अकाउंटेंट कनिष्ठ लेखा लिपिक हैं, इनके द्वारा जो है उनके साथ कुछ मिसबिहेव किया गया था फोन पे, तो हमने इनका ट्रांसफ़र कर दिया है विकास भवन में। तो अभी इनको विकास भवन में ट्रांसफ़र कर दिया गया है।